सुनो, तुमसे अच्छी मिल गई मुझे, अब मैं तुम्हारे साथ नहीं रह सकता। प्यार का कोई नाम नहीं होता, ये तो हर कोई जानता है, पर दो लड़कियां आपस में प्यार करती हैं और फिर शादी करती हैं। शिवानी और ऋषभ की आपने वीडियोस तो जरूर देखी होंगी। इनकी वीडियो सोशल मीडिया पर काफी तेजी से वायरल होती हैं। वहीं हर कोई ऋषभ को लेकर बहुत ही ज्यादा कंफ्यूज है कि ये लड़की है या लड़का या फिर कुछ और। और अब ऋषभ खान का असली सच आया सामने, आखिर ये क्यूट बाबू कौन है और इस लड़की और ऋषभ का आपस में रिश्ता क्या है। और ऋषभ खान इस लड़की को बाबू कहकर बुलाते हैं, तो वीडियो बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है। आज आपको बताएंगे ऋषभ की लाइफ के सारे सीक्रेट्स। और अगर आप भी करते हैं शिवानी और ऋषभ को पसंद, तो वीडियो को लाइक और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग? तो आइए वीडियो को करते हैं स्टार्ट। अगर बात मेरे बंदे पे आई ना, तो बेटा याद रखना मैं किसी की सगी नहीं हूँ। ऋषभ लड़की है या लड़का या फिर टॉम बॉय, ये बात कोई नहीं जानता। तो पहले बात कर लेते हैं ऋषभ की। ऋषभ का फुल नेम ऋषभ खान है और ये सोशल मीडिया पर छोटा नवाब के नाम से फेमस हैं। 7 जनवरी को कोटा राजस्थान में एक मुस्लिम फैमिली में एक बहुत ही ज्यादा क्यूट बच्चे का जन्म हुआ, जो सोशल मीडिया पर ऋषभ खान के नाम से फेमस है। ऋषभ की फैमिली की बात करें तो इनकी फैमिली में इनकी मम्मी के अलावा एक सिस्टर है। इनकी फैमिली बहुत ही ज़्यादा सपोर्टिंग है। तो अब बात कर लेते हैं ऋषभ के एजुकेशन और क्वालिफिकेशन के बारे में। ऋषभ को बचपन से ही एक्टिंग करने का बहुत ज़्यादा शौक था और इन्हें पढ़ाई में बिल्कुल भी इंटरेस्ट नहीं था। बहुत मुश्किल से इन्होंने 10th तक की पढ़ाई की और इसके बाद पढ़ाई छोड़ दी। और स्कूल टाइम से ही इन्होंने टिकटॉक ज्वाइन कर लिया था और उस पर वीडियोस बनाया करते थे। शिवानी और ऋषभ की मुलाकात स्कूल के दौरान ही हुई थी और वहीं पर ये दोनों अच्छे दोस्त बने। और जब ऋषभ ने शिवानी से पूछा कि क्या वो उनके साथ वीडियोस बनाएंगी, तो शिवानी को भी फेमस होने का बहुत शौक था और इसके बाद उन्होंने हाँ कर दी और ये दोनों कपल्स वीडियोस बनाने लगे। अच्छा सुनो, अगर मैं तुमसे कभी गुस्सा हो जाऊँ तो मुझे मना लेना, और अगर तुम फिर भी नहीं माने तो मुझे सीने से लगा लेना। और वीडियोस बनाते बनाते इन्हें एक दूसरे से प्यार हो गया, पर ऋषभ कहने से डरते थे। पर शिवानी ने एक दिन ऋषभ को प्रपोज कर दिया और ऋषभ ने मना कर दिया, क्योंकि उन्हें ये लगता था अगर शिवानी को उनका सच पता चला तो शिवानी उनसे सारे रिश्ते तोड़ देंगी। और कुछ टाइम बीतने के बाद ऋषभ ने अपना सच शिवानी को बता दिया कि वो एक टॉम बॉय है। पर दोस्तों, आप यकीन नहीं मानेंगे, शिवानी को जब ये सच पता चला तो शिवानी को इससे कोई फर्क नहीं पड़ा और वो ऋषभ से पहले की तरह ही प्यार करती रही। और ये सब कुछ देखकर ऋषभ की खुशी का ठिकाना नहीं था और इसके बाद ये दोनों रिलेशनशिप में आ गए। पर शिवानी की फैमिली को जब ये बात पता चली तो शिवानी की फैमिली ने कहा कि वो ऋषभ से नहीं मिलेंगी और उनसे सारे रिश्ते तोड़ देंगी। पर शिवानी ने उनकी बात नहीं मानी और वो ऋषभ के साथ वीडियोस बनाती और हर रोज मिलने जाती। और एक दिन उनके पापा ने उन्हें अपने घर से निकाल दिया। फिर क्या, ऋषभ अपने साथ शिवानी को अपने घर ले गए और अब शिवानी ऋषभ के घर पर ही रहती हैं। दोनों के रिलेशन को 7 साल हो चुकी हैं। वहीं ऋषभ की मम्मी शिवानी से बहुत ज्यादा प्यार करती हैं और उनकी केयर करती हैं। अगर आपका प्यार सच्चा हो तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि सामने वाला इंसान कैसा है। वैसे दोस्तों, आपको इन दोनों की जोड़ी कितनी पसंद है कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। तो अब बात कर लेते हैं ऋषभ और योगिता का आपस में रिश्ता क्या है और ऋषभ योगिता को बाबू कहकर क्यों बुलाते हैं। तो दोस्तों, मैं आपको बता दूं, योगिता और ऋषभ दोनों बचपन के दोस्त हैं और इनकी दोस्ती बहुत ही ज्यादा गहरी है। और ऋषभ खान योगिता को प्यार से बाबू कहकर बुलाते हैं, वहीं योगिता भी ऋषभ को बहुत ज्यादा सपोर्ट करती है। मेरी बीवी करोड़ों में एक है, क्योंकि वो मेरी परवाह मेरी माँ की तरह करती है। अगर आप सोशल मीडिया पर एक्टिव रहते हैं तो आपने देखा ही होगा कितने सारे कपल्स का ब्रेकअप हो गया, लेकिन शिवानी अपने प्यार की खातिर सब कुछ करती हैं और क्या कुछ नहीं किया। शिवानी ने तो ऋषभ के लिए अपना धर्म परिवर्तन भी कर लिया और शिवानी से साइना खान बन गई। वैसे दोस्तों, शिवानी ने ये सही किया या गलत कमेंट बॉक्स में जरूर बताना।
तो आज की वीडियो में बस इतना ही। आई होप आपको आज का वीडियो पसंद आया हो। शिवानी और ऋषभ की जोड़ी आपको कैसी लगती है, वीडियो को लाइक सब्सक्राइब शेयर और कमेंट करके ज़रूर बताना। और ऐसी ही इंटरेस्टिंग और नई नई स्टोरीज जानने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। अपने सजेशन जरूर देना, मैं सबके कमेंट्स को रीड करती हूँ। थैंक यू गाइज। मेरे बीच में क्या है? उधार।